जारी किया आदेश। यूपी कैबिनेट में मोबाइल पर लगा है प्रतिबंध। कैबिनेट की बैठक में मोबाइल प्रतिबंधित। सीएस अनूप चंद्र पांडे ने जारी किया आदेश। अधिकारी भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। सीएम योगी जाहिर कर चुके हैं नाराजगी। बैठक में मोबाइल बजने पर जताई है नाराजगी। और अब अधिकारी भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाहिर कर चुके हैं नाराजगी। और अब इसी पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट में गंभीरता बनाए रखने को कहा गया है। बैठक में मोबाइल बजने पर नाराजगी जताई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और अब बड़ा फैसला। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर के साथ। अभिषेक, वैसे ये एक अच्छी पहल है, कहीं ना कहीं मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करती है चीजों को। बड़ी खबर, बड़ी पहल। जी हाँ बिल्कुल, मोबाइल डिस्टर्ब करती है और ये कई बार ऐसा देखा गया है कि कैबिनेट की बैठकों में जब अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है तो मंत्रियों और अफसरों के मोबाइल फोन बजे हैं। और इसी बात को अब गंभीरता से मुख्यमंत्री ने लिया है और इसीलिए एक नया आदेश आया है जिसमें मंत्रियों को और अधिकारियों को कैबिनेट बैठक यानी मंत्री परिषद की बैठक के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। उनसे कहा गया है कि मोबाइल फोन बाहर रखकर ही कैबिनेट की बैठकों में और मंत्री परिषद के सामने आए जी। और अभिषेक, कहीं ना कहीं इससे सीरियसनेस भी समझा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर चीज को लेकर काफी सीरियस है। उन्हें किसी भी चीज में इस तरह की, जो आप समझिए, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो, मंत्री ही क्यों ना हो, उनका मोबाइल बजना बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, उनकी तरफ से ये कई बार कहा गया है कि गंभीरता बनाए रखें, जब अहम प्रस्तावों के दौरान कैबिनेट में चर्चा होती है मोबाइल फोन बजते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं, लोगों का ध्यान भंग होता है। और इसी बात को गंभीरता से लेते हुए अब कहा गया है कि मोबाइल फोन थोड़ी देर के लिए, जितनी देर कैबिनेट की बैठक चलेगी, उसको बाहर ही रखा जाए। बिल्कुल, और अभिषेक, एक अच्छी पहल है क्योंकि इसी से जनप्रतिनिधियों को भी ये समझ में आएगा कि कैबिनेट बैठक जैसी चीज काफी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर मोबाइल बजना अपने आप में एक अनुशासनहीनता भी लगती है कहीं ना कहीं। अभिषेक जी हाँ, देखिए मोबाइल फोन बजने से एक तो अहम प्रस्तावों के दौरान जब मुख्यमंत्री बोलते हैं, लोगों की राय मशवरा लेते हैं, उस दौरान व्यवधान आता है। और कहीं ना कहीं ये खुद की भी अपनी तरफ से एक पहल होनी चाहिए कि ऐसी बैठकों से मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखा जाए, क्योंकि जनता से जुड़े हुए अहम प्रस्तावों पर चर्चा होती है। बार बार मोबाइल फोन बजने से व्यवधान आता है और इसीलिए अब ये नया आदेश आया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।